वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। दिस इज पार्ट वन ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सीरीज दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। क्लियर? अच्छा, इससे पहले मैथ्स पे हम लोग अपने आई गेस 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एलजेब्रा, मिक्सचर एंड एलिगेशन और ज्योमेट्री। ये 5 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग चाहे तो आप लोग इन 5 टॉपिक को भी देख सकते हैं। क्लियर? ओके, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर पे मैं आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी डिस्कस करूंगा, जैसे कि हमने ज्योमेट्री में किया था। ठीक है, इस लेक्चर पे बस हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई गेस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी थ्योरी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद के जो आने वाले लेक्चर्स हैं उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, बहुत ही इजी, प्री के लेवल्स पे तो जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो वहाँ पर। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं और आप इसे देखते रहिए। ठीक है, पहले थ्योरी स्ट्रांग कर लेते हैं पार्ट वन पे, और पार्ट सेकेंड से फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और उस पर देखेंगे कि कैसे खाली इतनी मिनिमम थ्योरी, मतलब थ्योरी पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, थोड़ा ही सा ही थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बुक पे देखता हूँ कि वो फार्मूले उसके भंडार लगा देते हैं, वैसा नहीं करना। हम लिमिटेड 3-4 फार्मूले ही रखेंगे और उसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्राइंगल है, दिस एंगल इज थीटा। तो याद रखना, थीटा के ठीक अपोजिट कौन सा एंगल होता है? थीटा के ठीक अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ट्राइंगल है, थीटा, थीटा के अपोजिट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स में नहीं, जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं उसमें थीटा के अपोजिट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं पी से, बेस को डिनोट करते हैं हम बी से, और हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं हम एच से। क्लियर? क्लियर? तो कोई भी ट्राइंगल हो, आपको कैसे क्या चीज पता चलाना, मतलब एक ट्राइंगल है तो आपको देखो, आप जो थीटा होगा इसके ठीक अपोजिट जो चल रहा होगा उसे आप परपेंडिकुलर मान लोगे, और 90 के ठीक अपोजिट आपका हाइपोटेनस होता है। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल में तो जो बचा हुआ साइड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पे अभी जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या कहते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस, वहां पर आपको इस कंता होना जरूरी होता है। क्लियर? ओके, दूसरी बात देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। क्या हो, क्या क्या होते हैं देखो, एक होता है साइन, कॉस, टेन, ठीक है, अच्छा, कोसेक, सेक और
तो इस ट्राइंगल पे अब हमने इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या करने हैं, वैल्यूज लिखने हैं। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल होता है, आप लोगों ने ये याद रखना है, एक आप लोगों ने याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर, सोना चांदी तोले, क्लियर। आप लोगों ने ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आई गेस आप लोगों ने 10th तक पढ़ा होगा, तो ये तो आई गेस बुक पे भी मेंशन है ये वाला। तो ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, देखो साइन क्या है, यहां से आप बोल सकते हो कि साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉमा कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉमा टेन ऑफ थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लिया हमने आइडेंटिटी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस बोल दिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, क्लियर। इसके बाद के जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखो सोना चांदी तोले तो है ही, इसके बाद आता है सी एस सी, क्लियर। सी क्या है यहां पर, सी आपका होता है कोसेक, ठीक है, ये तो सेक है, ये क्या होता है, कॉट होता है, क्लियर। अच्छा एक और बात, जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्लियर। सिमिलरली सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, क्लियर। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, क्यों, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, कॉमा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। देखो ये बेसिक थ्योरी है, आप लोगों को सब पता होगा, बट क्योंकि लेक्चर स्टार्ट करना है तो ये डिस्कस करना भी पड़ेगा मुझे, क्लियर। अगर किसी को नहीं पता हो तो उन लोगों को पता होना जरूरी है, क्लियर। तो यहां से ये चीज तो हो गई, साथ ही साथ आपने यहां से एक और चीज सीख लिया, क्या, नोट डाल के लिख लेना, ठीक है, नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो क्या, कि आपका जो साइन थीटा होता है वो क्या है, वन अपॉन कोसेक थीटा, या तो क्या बोल सकते हो आप, जो क्योंकि ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से ट्रू है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो कोसेक थीटा है वन अपॉन साइन थीटा है, क्लियर। सिमिलरली क्या बोल सकते हो आप, कॉस थीटा जो है वो क्या है, वन अपॉन सेक थीटा, या तो आप बोल सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन कॉस ऑफ
थीटा, क्लियर। वैसे यहां से क्या बोल सकते हो आप, टेन थीटा क्या है आपका, वन अपॉन कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा को आप बोल सकते हो वन अपॉन टेन थीटा। मतलब साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, देखो जो ये वाला है टेन थीटा, आप ना टेन थीटा को नोट पे ही लिखते रहना, ये टेन थीटा को आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हो, क्लियर। टेन थीटा को आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कैसे देख लो यहां पे। साइन थीटा क्या है, पी बाय एच, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है आपका पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या है आपका इंटू, ये वन अपॉन कॉस है तो ये एच अपॉन बी बन जाएगा ना, एच एच कैंसल आउट, ये क्या आ गया पी बाई बी, और पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा। सिमिलरली अगर टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा तो टेन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्लियर क्लियर। तो यहां पर आप लोगों ने याद क्या क्या चीज रखनी है, ठीक है, देखो क्या क्या चीज याद रखनी है आप लोगों ने, आप लोगों ने याद रखना है क्या कि थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो बच गया दैट इज योर बेस, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपने पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, एस से साइन, तो साइन क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी से क्या हो गया कॉस, वो क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसके बाद आ गया टेन, टेन क्या हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा फिर आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद कॉस का क्या होता है सेक, सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। उसके बाद आता है कॉट, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट किसका अपोजिट होता है टेन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। उसके बाद आप लोगों ने एक और बात याद रखना है कि भाई टेन थीटा को इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इतना बात आप लोगों ने इधर याद रखना है, क्लियर ओके। नेक्स्ट इसी पे देखते हैं आगे, आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्या देखते हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। देखो क्या क्या किस किस की वैल्यू देखनी है आपने, साइन की, कॉस, टेन, कोसेक, वीडियो में तो साफ लाना भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोसेक और आप ऊपर लिख लो वरना फिर वीडियो ऐसी हो जाना मुझे पता है, ठीक है। आपने किस किस वैल्यू पे देखनी है, देखो आपने देखनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे,
45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। क्लियर? कोसेक तो देखना ही है, साथ में देखना है सेक और देखना है हमने कॉट। क्लियर? इन सब की वैल्यू देखनी है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे। क्लियर? अच्छा देखो, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हम सारे क्वेश्चन ही इन्हीं इन्हीं वैल्यूज को पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने इन वैल्यूज को याद रखना है। क्लियर? देखो अब ऐसे याद रखो, साइन जीरो इज जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन। क्लियर? फिर इसका उल्टा कॉस होता है, तो कॉस आप लिखोगे तो अब यहां से लिख दो, वन से लेकर जीरो तक लिख दो, यहां से स्टार्ट करते हुए वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू और जीरो। ठीक है, आपने क्या लिखा? देखो आपको अगर ये याद है तो सारे आप लिख सकते हो, वैसी बात नहीं है, बट वैसा भी नहीं है, आप लोगों को आई गेस तो ये याद ही होना चाहिए, बाय हार्ट ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू बोलूँ तो एकदम पता होना चाहिए आपको। साइन जीरो इज जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, वन, फिर वन से स्टार्ट करके जीरो तक, वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू, जीरो। क्लियर? उसके बाद टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मतलब जीरो डिवाइड बाई वन, जीरो, वन बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टू, ये कितना आ जाएगा, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू डिवाइडेड बाय वन बाय रूट टू, वन, रूट थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू, रूट थ्री, वन डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। क्लियर? ओके, कोसेक लिख लो वैसे ही। कोसेक क्या होता है? वन अपॉन साइन होता है, बस आपको इतनी याद होनी चाहिए तो हो जाएगा। कोसेक क्या होता है? वन अपॉन साइन, साइन का कोसेक क्या होता है? वन अपॉन साइन, लिख लो। सेक क्या होता है? वन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है? वन अपॉन। क्लियर? तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका? वन अपॉन साइन, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, वन बाय टू, ये हो जाएगा टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट टू, ये हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, और ये वन का वन रह जाएगा। सिमिलरली सेक क्या हो जाएगा? वन टू बाय रूट थ्री, रूट टू, टू इन्फिनिटी, और कॉट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी रूट थ्री, वन, वन बाय रूट थ्री, जीरो। ठीक है, क्लियर? तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आपसे ऐसे पूछे कि 1060 डिग्री क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1060 डिग्री क्या है, रूट थ्री, और ये वैल्यूज आपको लिटरली याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चंस पे स्पीड आ पाएगा। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, बट क्वेश्चंस आप स्पीड से नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप लोगों को टाइम लग जाएगा क्वेश्चन पे करने पे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ये वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो थोड़ा सा ना, ये देखो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट है। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि ग्राफ आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के साथ तीन ग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ, साइन का, कॉस का और टेन का। बाकी का ग्राफ हम डिस्कस नहीं करेंगे एज सच। अगर क्वेश्चन में कहीं मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट आई गेस ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सिमिलरली ये -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। ठीक है, अच्छा साइन स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो। साइन जीरो पे क्या होता है? जीरो होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री होता है आपका वन। मतलब ये यहां पर आता है। क्लियर। उसके बाद साइन 180, अभी आप देखोगे साइन 180 क्या होता है, दोबारा जीरो होता है। ये मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हो तो आपको ग्राफ ऐसा मिलता है इसका। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है साइन फंक्शन का। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देखो ये +1 है ना, साइन हम साइन का ग्राफ हमेशा यहाँ तक टच हो सकता है। क्लियर क्लियर। तो मैक्सिमम ऑफ साइन क्या हो सकता है? मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा वो हो सकता है +1, और मिनिमम कितना हो सकता है? अगर कोई पीछे मिनिमम ऑफ साइन थीटा तो वो होता है -1। क्लियर। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 तक ही आ सकती है। क्लियर। ये ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस ग्राफ का यूज अगर होता है कहीं तो हम देखेंगे। ठीक है, बट इतना ग्राफ तो आपको क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, कॉस का अगर मैं ग्राफ देखूं, क्लियर। अगर कॉस का ग्राफ देखूं तो कॉस 0 पे कितना होता है? 1 होता है, और कॉस 90 पे क्या होता है? 0 होता है, और कॉस 180 में क्या होता है? -1 होता है। क्लियर। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ ऐसे होता है। ये इसका ग्राफ होता है, ये कॉस का ग्राफ है। क्लियर। सेम मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जा सकती है इसकी भी।
ठीक है, तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम ऑफ कॉस थीटा पॉजिटिव 1 तक ही जा सकती है, और मिनिमम ऑफ कॉस थीटा -1 तक ही जा सकता है। क्लियर, ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 10 का ग्राफ देख लेते हैं, बस ये तीन ही ग्राफ देखने हैं आपने। देखो, अच्छा 10-0 क्या होता है, 0 होता है, और 10-90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब यहाँ का इन्फिनिटी मान लेता हूँ। तो ये ग्राफ ऐसा होता है इसका, सिमिलरली उसका ये ऐसा होता है 10 का ग्राफ। क्लियर, ये ग्राफ होता है क्या आपका, 10 का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 10 का मैक्सिमम वैल्यू, देखो इसका तो मैक्सिमम वैल्यू कोई है ही नहीं, ये तो जाता ही रहेगा इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, और 10 का मिनिमम वैल्यू कोई पूछे तो वो होगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये जाता रहता है। क्लियर, क्लियर, होपफुली आपको ये ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आज हम थ्योरी वाला सेक्शन इसका कंप्लीट कर ही लेते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देख लेते हैं। अरे यार, ओ लगाने की आ रहा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप लोगों को, ठीक है, मैं देख रहा था बुक्स में आप लोगों को 200 आइडेंटिटी लिख के दे दी गई है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, और सीजीएल में जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके आपके इन तीनों आइडेंटिटी से वो हमेशा सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई आइडेंटिटी की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये पहली आइडेंटिटी है। क्लियर, अब इस आइडेंटिटी के से दो आइडेंटिटी और निकलती है। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से, सेकेंड आइडेंटिटी तब निकलती है जब मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। क्लियर, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस से कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखो साइन साइन कैंसिल आउट, दिस इज 1 प्लस कॉस, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉस ओवर साइन होता है कॉट, ठीक है, हमने आगे पढ़ा था कॉस ओवर साइन इज कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन इज कोसेक, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर सेकंड। Okay, this is identity number first. Sine over cos is 10. One upon cos is sec. This is identity number third. ठीक है, इन तीन आइडेंटिटीज के मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका जो अप्लीकेशंस है अभी वो हम बाद में देखेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इन्हें अभी लिखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, अगर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूं तो हमारे पास टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं, जो आप ये एक्सिस बनाते हो ना, ठीक है, ये वाला होता है, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस पे साइन देखो, मैं आपको देखो ये याद रखना है, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का एस, एस मतलब साइन, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है, क्या याद रखना है आपने, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है, तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, बट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी जो आइडेंटिटीज है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है,
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल, मतलब 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। 10 और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट पे, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस, कॉस का अपोजिट है सेक, मतलब यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं इस क्वाड्रेंट पे, नेगेटिव होते हैं। आपने याद कैसे रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, क्लियर। अगर इतना याद रखते हैं तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि यार अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप मुझे बता सकते हैं साइन थीटा की थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव वैल्यू होती है, क्लियर। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, क्लियर। अच्छा इसी को आप लिख लीजिए 0 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री, या तो पाई बाय 2 भी लिखते हैं इसे, ये हो जाएगा 180 डिग्री, या लिख दो इसे पाई, और ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है, पाई इज इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 90, पाई बाई 2 90 आ गया ना, और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री, या तो होता है 3 पाई बाय 2, और ये घूम के ये 0 डिग्री या 2 पाई, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरा आप लोगों ने इसी पे क्या याद रखना है, इस पे आप लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस दिख रहा है, क्लियर, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे इंटरचेंज होते हैं वो देखो, ये याद रखो, अभी इसका पूरा एप्लीकेशन देखेंगे हम। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आप ये लिखो पहले, साइन और कॉस लिखो, ठीक है, अभी बताता हूं क्या है ये, 10 और कॉट लिखो, और कोसेक और सेक लिखो, क्लियर। साइन और कॉस लिख लिया आप लोगों ने, 10 और कॉट लिख लिया, और कोसेक और सेक लिख लिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कैसे, क्या इसकी इंप्लीकेशन है। सपोज मैंने आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 135 डिग्री, क्या बोला मैंने आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 135 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ मुझे आप, मैंने आपको ये बोला, क्लियर। अब देखो 10 35 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, एक तो आप लिख सकते हो 10 135 को आप ऐसे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि मुझे तो वैल्यू पता है 90 तक का ही पता है, ठीक है, मुझे 90 से आगे की वैल्यू नहीं पता है, तो 10 135 अगर ग्राफिकली देखूं तो यहां पर आएगा कहीं, ये होगा 135, यही होगा ना, ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है 10 135 की। अब 10 135 की वैल्यू मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, देखो इसे मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो 10 ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं, ये 90 प्लस 45, ठीक है, या तो इसी को मैं लिख सकता हूं 10 ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 इस लाइन के अलोंग भी तो लिख सकता हूं कि 180 माइनस 45 कर दूं तो दोबारा से मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखो 10 135 क्योंकि
क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो उसकी नेगेटिव तो वैल्यू होनी ही है, आपको पता है क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। दूसरी बात, अगर 10 90 डिग्री प्लस 45 करता हूं तो ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चेंजेस कर रहा हूं मैं, तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग 90 प्लस या 90 माइनस कुछ भी करूं इस एक्सिस के अलोंग, 270 प्लस करूं या 270 माइनस करूं, वैसे ही सिमिलरली 90 प्लस करूं या 90 माइनस करूं, जब इस वर्टिकल एक्सिस को एज अ रेफरेंस एक्सिस लेकर मैं चलता हूं तो क्या होता है इसमें? 10 चेंज हो जाएगा किस पे? कॉट पे। तो ये 10 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा आपका? कॉट ऑफ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में कुछ भी चेंज करो, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, तो 10 किस पे चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। सिमिलरली कॉट किस पे चेंज होगा? उस पे 10 पे चेंज होगा। साइन किस पे चेंज होगा? कॉस पे चेंज होगा। कॉस किस पे चेंज होगा? साइन पे चेंज होगा। सिमिलरली कोसेक किस पे चेंज होगा? सेक पे। सेक किस पे? कोसेक पे। क्लियर? तो ये आ जाएगा कॉट 45। और यहां पर देखो 10 180 माइनस 45 लिखा हुआ है मैंने, मैंने रेफरेंस लिया है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? तो 10 180 माइनस 45 कितना रह जाएगा? ये 10 ही रह जाएगा, 10 of 45 ही रहेगा। तो कॉट 45 कितना होता है? -1। और 10 45 क्या होगा? -1। तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप वर्टिकल एक्सिस से लो चाहे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लो। बात यही है कि वर्टिकल एक्सिस से जब लेते हैं तो क्या होता है, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं दोनों, 90 प्लस पे भी और 90 माइनस पे भी। क्लियर? ठीक है, वैसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे ये सारी वैल्यू हम देख लेंगे। क्लियर? ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की इतनी ही थ्योरी है, इससे ऊपर की थ्योरी हमें जरूरत नहीं पड़ती सीजीएल में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और पार्ट 2 से रेडी रहिए क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? अब बहुत ही जल्दी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही जल्दी आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।